जीतने वालों को मेरा सलाम। हर बिलीफ सिस्टम चैंपियन के दिमाग में खिड़की है। अगर हम उस खिड़की के अंदर झांक सकें तो बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और जल्द से जल्द अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार इन वर्क एथिक को देखने के बाद कम से कम एक अपनाने की कोशिश कीजिए। वर्क एथिक अपनाने का प्रैक्टिकल तरीका आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। सबसे पहली खासियत जो कोबी ब्रायंट के अंदर दिखती है वो है बी ड्रिवन। कोबी ब्रायंट कहते हैं, मेरा सफर शुरू होता है फिलाडेल्फिया से, जहां मेरे पिताजी ने 3 साल की उम्र में मेरे हाथ में बास्केटबॉल थमा दी। उनके पिता खुद प्रोफेशनल प्लेयर थे जिन्होंने 8 साल NBA खेलने के बाद यूरोप में खेलने का फैसला किया। इटली में 6 साल के कोबी को एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि इटली में फुटबॉल का कल्चर है। वहां बास्केटबॉल कोर्ट पर भी फुटबॉल गोल पोस्ट लगी थी जहां बच्चे दिन भर फुटबॉल खेला करते। कोबी कहते हैं, मैं भी बच्चों के साथ दिन भर फुटबॉल खेला करता और जब शाम होने पर सब चले जाते तब रात तक 3-4 घंटे अकेले बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता। अगले 7 साल कोबी कोर्ट पर अकेले प्रैक्टिस करते रहे। उनके अकेले खेलते खेलते मेहनत करने की ड्राइव उनके अंदर प्रखर हो गई। और जब 13 साल की उम्र में कोबी US वापस आए तो आते ही उन्होंने बास्केटबॉल जगत में धूम मचा दी। लगातार 4 साल हाई स्कूल को स्टेट चैंपियनशिप जिताई और देश के बेस्ट हाई स्कूल प्लेयर भी बने। उनकी मेहनत और ड्राइव देखकर उनके कोच को पता था कि कोबी ब्रायंट कहीं जाने वाले हैं। ये दूसरा कमाल का बिलीफ सिस्टम है। मैंने अपने ऊपर नीचे आसपास सब जगह देखा है कि लोग काम करने से कतराते हैं। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में जब ज्यादा दिमाग या मेहनत लगती है तब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बचपन से मन में बैठा हुआ है कि दिमाग खर्च नहीं करना, मेहनत ज्यादा नहीं करनी। बल्कि सच तो ये है कि जितना ज्यादा दिमाग और शरीर खर्च करेंगे ये दोनों उतने ज्यादा तेज होते जाएंगे और यही कोबी विश्वास करते हैं। जे विलियम्स जो दूसरी टीम के लिए खेलते थे कहते हैं कि मैं हमेशा लोगों से ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा एफर्ट डालता हूँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। उस दिन शाम को 7 बजे गेम था। मैंने सोचा कि 3 बजे जाकर मैं 400 शॉट्स की प्रैक्टिस करूंगा, फिर रिलैक्स होकर गेम के लिए रिकवरी लूंगा। 3 बजे पहुंचता हूं तो कोबी ब्रायंट पहले से लगे हुए थे। फिर मैंने 1 घंटा प्रैक्टिस की, जब मैं थक गया तब भी कोबी लगे हुए थे। विलियम्स कहते हैं कि जब मैं आया था तब कोबी ऑलरेडी पसीने से लथपथ था और अभी भी वो नहीं रुका था। कोबी प्रैक्टिस में टाइम पास नहीं कर रहा था, वो अच्छे खासे गेम मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे। दोस्तों, एक गेम में पूरी NBA टीम औसतन 90 पॉइंट्स बनाती है और उस गेम में कोबी ने अकेले 40 पॉइंट बनाए। विलियम्स कहते हैं कि मैच के बाद मैंने कोबी से पूछा कि आप जिम में इतना पहले क्यों थे। कोबी कहते हैं कि मैंने आपको आते हुए देखा और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, मैं आपसे हमेशा ज़्यादा करूँगा। जे विलियम्स कहते हैं कि उस दिन मैंने देखा कि टॉप प्लेयर किस लेवल पर सोचता है। लेकिन बात केवल टॉप प्लेयर की नहीं है, जब तक आप किसी चीज़ में समय नहीं लगाते आप कभी बेहतर नहीं कर सकते। अगली चीज़ जो कोबी कहते हैं, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड इफ़ आई डोंट गिव माई 100%। कोबी कहते हैं कि अगर आपका जॉब बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो आपको बेसिक चीज़ें क्या करनी होंगी। को गेम में काम आने वाली स्किल्स पर काम करना होगा और साथ में मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। इन सब के लिए आप जितना ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और रिकवरी ले सको उतना बढ़िया, और ये सब करने के लिए आपको चाहिए समय। कोबी कहते हैं, मान लीजिए अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो और 10 बजे ट्रेनिंग शुरू करते हो, आपने 10 से 12 ट्रेनिंग की, उसके बाद रिलैक्स किया और रिकवरी ली, फिर 3 से 5 ट्रेनिंग की, फिर ब्रेक लिया और फिर एक सेशन देर शाम 7 से 8 किया। देर रात एथलीट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना सही नहीं है क्योंकि शरीर की हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब होती हैं। कोबी आगे कहते हैं, अब मान लीजिए कि मैं हर दिन 3 बजे उठकर सुबह 4 बजे प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। पहला सेशन 4 से 6, दूसरा 9 से 11, तीसरा 2 से 4 और फिर शाम को 6 से 8। देखिए, मैंने सिर्फ 3 बजे उठकर एक दिन में कितना काम कर लिया और शरीर भी रिकवर कर लिया। जैसे हफ्ते, महीने और साल निकलते जाएंगे, मेरी ट्रेनिंग बाकी लोगों से कितना आगे निकलती जाएगी। इंटरव्यूअर आगे पूछते हैं कि क्या ये ड्राइव आपके अंदर जेनेटिक है।
कोबे कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये कॉमन सेंस है, क्योंकि मैं बाकी प्लेयर्स का रूटीन जानता हूँ। अगर मुझे एडवांटेज बनाना है तो मुझे ज़्यादा ट्रेन करना होगा। कोबे आगे पूछने पर बताते हैं कि ये मैंने हाई स्कूल से शुरू कर दिया था। सुबह क्लास 7:45 शुरू होती थी और मैं सुबह 5 पहुँच जाता था, जहाँ कभी मुझे कोच और कभी जेनेटर मिल जाते थे, जिनके साथ मैं प्रैक्टिस और ड्रिल्स किया करता। फिर स्कूल जाकर काम करता और घर जाकर गेम्स की क्लिप्स देखता, गेम्स के बारे में और समझने की कोशिश करता, फिर शाम को ट्रेनिंग करता। कोबे कहते हैं, आज भी कभी कभी सुबह अकेले में ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि इतनी सुबह कोई मिलता ही नहीं है। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि इसे आप कुछ भी कहो, ड्राइव, एथिक या डिसिप्लिन, ये आपने सीखा कैसे? कोबे कहते हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मेरे लिए बास्केटबॉल थी। जिस दिन मुझे लगता कि मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाया, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी और रात को नींद नहीं आती थी। दोस्तों, हम वर्क एथिक सीरीज के सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ पर खड़े हैं। जैसा कि हम देखते आए हैं कि वर्क एथिक हमारे सेल्फ बिलीफ से पैदा होते हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, उतनी ईमानदारी से और जिंदा दिली से आप काम भी करते हो। एक बिलीफ वो विचार है जिसे आप पूरी तरह सच मानते हो, और जो थॉट या विचार हम बिना डाउट के सच मान लेते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। जैसे अगर आप ग्रीन कलर के गॉगल्स लगा लें तो आपको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। उसी तरह अगर आप मान लो कि जिंदगी बड़ी कठिन है या मैं उतना लायक नहीं हूँ, तो आपको हर काम कठिन लगेगा, आप कई काम तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो सवाल ये है कि हम जल्दी से जल्दी अपने नेगेटिव बिलीव्स कैसे तोड़ें और पावरफुल बिलीव सिस्टम कैसे बनाएं। NLP के अनुसार इसका आसान और जल्दी असर करने वाला तरीका है कि जिस भी बिलीफ या थॉट पैटर्न को तोड़ना है उसके साथ बहुत सारा दर्द जोड़ दीजिए। कोबे का एग्जांपल लेते हैं। कोबे कहते हैं कि जिस दिन मुझे लगता था कि मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाया, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अगर कोबे की तरह हमारे दिमाग में बैठ गया कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, अपना 100% फोकस देने की आदत नहीं डाली, तो मैं कभी अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, ना मैं कभी अपने चरम पर पहुंच पाऊंगा। मेरे सामने दोस्त और टीम सब आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे से उन्हें देखता रह जाऊंगा। मैं ज़िंदगी भर दुखी रहूंगा और मैं कभी अपने आप को कांच में आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसा सोचते ही आप उसी समय महसूस करेंगे कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्शन में आने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा पेन से प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। आप उसी समय एक्शन लेकर अपने आप से कह सकते हो कि आज से 100% फोकस मेरी ताकत है, मैं धीरे धीरे इसको पूरी ताकत बनाऊंगा और इसकी मदद से अपने सारे काम करूंगा। और हम जैसे एक्शन लेकर एक एक ईंट लगाते जाएंगे, वैसे वैसे पावरफुल सेल्फ बिलीफ और वर्क एथिक की मजबूत दीवार खड़ी होती जाएगी। हर दिन नहीं समझ में आता कि नेगेटिव बिलीफ धीमा जहर है जो हमको एक्शन लेने से रोकता है, लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर में दर्द या पेन देखते हैं तब समझ आता है कि नेगेटिव बिलीफ की इतनी भारी कीमत है, और उसे छोड़कर तत्काल भागना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का डिज़ाइन ही ऐसा है, वो हमेशा पेन से प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। इसको लेवरेज कहते हैं। अगर आपको पावरफुल बिलीफ बनाना है तो नेगेटिव बिलीफ उखाड़ के पहले जगह खाली कीजिए और उस जगह पॉजिटिव बिलीफ लगाकर खूब एक्शन से सींचिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पोमोडोरो टेक्निक पर वीडियो ज़रूर देखिए। वर्क एथिक में डिसिप्लिन लाने में आपको मदद होगी। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।